वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास, वेलकम स्टूडेंट्स। आज डिस्कस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। एज प्रीवियस क्लास में जितना सब टॉपिक डिस्कस किया था वो देख, आई होप यू ऑल सी दिस ऑल टॉपिक्स। तो आज डिस्कस करेंगे कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग क्या है? बेसिकली इट गोज अंडर द टॉप अंडर द टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इट गोज ऑन द टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो इसमें क्या क्या है, व्हाट इज कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग डिस्कस करेंगे। कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग बाई वर्च्यू ऑफ विच द टू शीट मेटल और शीट फॉयल जॉइंट इन बिटवीन मॉलिकुलर इंटरफेस मॉलिकुलर वेल्डिंग विद द हेल्प ऑफ प्रेस डाई और प्रेस पंच। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें ये बेसिक, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। इसके जिसमें क्या है, दो मेटल फॉयल को ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेस डाई की मदद से और प्रेस पंच की मदद से। ओके, तो दिस इज द प्रेस डाई, देख सकते हैं, ठीक है, अपर डाई पार्ट एंड दिस इज लोअर डाई पार्ट। ओके, ये देख सकते हैं, ये दिस इज द प्री प्रोसेस्ड, मतलब ये प्री प्रोसेस्ड मतलब प्रोसेस से पहले है, बिफोर प्रोसेस्ड ओके, इज द फिगर ऑफ बिफोर प्रोसेस्ड और ये आफ्टर प्रोसेस, मतलब जब प्रोसेस्ड हो गया है मेटल, सीट फाइल ज्वाइन हो चुका है और पांच की मदद से और डाई प्रेस की मदद से, हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से, तो दिस इज द सेक्शन विच इज ज्वाइंट। ओके, दिस इज द सेक्शन विच इज ज्वाइंट बाय द विद द हेल्प ऑफ बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक पंच। दिस इज अ पंच पॉइंट, पंच, दिस इज अ पंच कॉल्ड हाइड्रोलिक पंच, पंच हेड और पंच टेप कॉल। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, दिस प्रोसेस में एडवांटेजेस का अगर बात करेंगे, ओके, एडवांटेजेस का बात करेंगे, दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल मैंने बोल दिया, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कस कर दिए आप लोगों के सामने। अब देखेंगे एडवांटेजेस में क्या क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, कोई फ्यूज़न बिना विदाउट एनी फ्यूज़न के ज़रिए वेल्ड हो रहा है, कोई फ्यूज़न नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक एडवांटेजेस वन एडवांटेजेस हो गया, ठीक है। कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो गया एज इट इन रूम हैपन इन रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस कोई जनरेट नहीं होगा मेटल जो ज्वाइनिंग मेटल के ऊपर। कोई डिस्टोर्शन आफ्टर वेल्डिंग क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, कोई डिस्टोर्शन ऑफ मटेरियल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, कोई मतलब बेंड हो जाना या फिर मटेरियल थोड़ा अलग से दिख हो जाता है, जैसे कि कोई डिस्टोर्ड हो जाना, मतलब अपने शेप से हट जाना, स्टेप से जो ओरिजिनल शेप है उससे हट जाना, दैट्स कॉल्ड डिस्टोर्शन। तो कोई ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, कोई थर्मल यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है और कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसके कारण कोई ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि प्रेशर के कारण हो सकता है, ठीक है। बस दीज आर द एडवांटेजेस एंड और क्या क्या है, इजी प्रोसेस है, बहुत ही शॉर्ट टाइम टेकन है, बहुत ही कम समय में ये प्रोसेस्ड होता है और ज़्यादा मतलब हाईली कॉस्ट और हाईली कॉस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक डाई की मदद से ही आप डिफरेंट टाइप ऑफ पांच उसमें अटैच करके प्रोसेस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पांच अटैच करके बहुत सारा मेटल के ऊपर, वेराइटी ऑफ मेटल के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर द एडवांटेजेस, ठीक है, तो डिस एडवांटेजेस क्या क्या है, डिस एडवांटेजेस जो है आपका कि आप जो मेटल ज्वाइन हो, जैसे कि ज्वाइन करने से पहले कैसा दिख रहा है, ठीक, नॉर्मल स्ट्रक्चर नॉर्मल शेप में दिख रहा है, लेकिन ज्वाइन आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है ना, मेटल थिकनेस घट जाता है, क्योंकि पंच जब दबने लगता है, हाई प्रेशर से उसको प्रेशराइज करने लगता है, तो क्या होगा, मेटल थिकनेस घट जाता है। मेटल थिकनेस घटने के कारण क्या होता है, स्ट्रेंथ भी घट जाता है, ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस दैट अगर मेटल थिकनेस घट जाएगा तो स्ट्रेंथ भी घट जाएगा, तो स्ट्रेंथ घट जाएगा तो क्या, वेल्डिंग उतना हाईली, मतलब कोई भी स्ट्रेंथेबल जगह पे, कोई भी जहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंथ का ज़रूरत हो, वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता हो जिस जॉइंट पे या फिर जिस जगह में, उसमें ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है, नहीं कर सकते उसमें यूज़। तो ये क्या है, थिकनेस घट जाता है, इसके कारण स्ट्रेंथ भी घट जाता है, और क्या है,
इसमें एज मतलब क्या हो, कभी कभार बहुत सारा प्रोसेस ऐसा भी होता है कि फेल्योरिटी क्या होता है, फेल्योरिटी इसके कारण एक फेल्योरिटी होता है जो कि पांच के कारण, पांच के होने के कारण प्रेस्ट, पांच के होने के कारण एक इसमें थ्रू होल भी हो जाता है और एक एक तरफ का मेटल या दूसरा मेटल का कोई सीट जो यहाँ पे यूज़ करते हैं बोथ ज्वाइन करने के लिए, उसमें क्या होता है ये होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मतलब फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, इसलिए होल क्रिएट हो जाता है। ओके तो बेसिकली लिमिटेशंस बहुत ही कि थिक सीट्स को ही ज्वाइन किया जाता है, ज़्यादा थिकर सीट को या थिकर मेटल को ज्वाइन उतना नहीं किया जाता है, ठीक है। और क्या है, और डक्टाइल मेटल बेसिकली इट्स हैपेंड, ठीक है, एक पॉइंट बोलना भूल गए कि ये बेसिकली हैपेंड इन ओनली डक्टाइल मटेरियल। ओके बेसिकली हैपेंड इन ओनली डक्टाइल, डक्टाइल और मेलिएबल, मेलिएबल मटेरियल ओनली, ठीक है, दिस आर लिमिटेशंस। आप इसमें कोई हार्डर मटेरियल, हार्डर मटेरियल या फिर कोई जहाँ पर इसका जिस मटेरियल का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, उसमें आप ये प्रोसेस और कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको डक्टाइल मटेरियल की ज़रूरत होता है जो कि इजीली फैल जाता हो, इजीली ड्रॉ पॉसिबल टू ड्रॉ, ठीक है, इजीली पॉसिबल टू ड्रॉ हो पाता हो। ओके तो ये दिस आर द ऑल्सो लिमिटेशंस, ऑल्सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो क्या क्या आपका इसका एप्लीकेशन क्या है, आप नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे भी ये इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन से पहले इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स ये मैंने मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था लेकिन कल इक्विपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके इक्विपमेंट्स बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं नहीं चाहिए होता है कि डाई, दो अपर डाई लोअर डाई चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें पंच अटैच्ड होते हैं और दो मेटल फॉयल और सीट फॉयल ज़रूरत होता है, ठीक है। और भी एक बात इसमें एडवांटेजेस के तौर पे कहेंगे कि इसमें कोई हाई स्किल्ड लेबर का ज़रूरत नहीं होता है, ऑपरेटर का ज़रूरत नहीं होता है कि बहुत इसमें कुछ ज़्यादा इंट्रिकेसी है ही नहीं जॉइंट में। ओके तो चलिए एप्लीकेशन के देख लेते हैं, एप्लीकेशन किस किस में एप्लीकेशन हो पाता है, ये जॉइन प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस। एप्लीकेशन में देखेंगे ये बेसिकली वायर को ज्वाइन करने के लिए, वायर ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, इसमें कोई एज प्रिपरेशन का ज़रूरत नहीं होता इसलिए वायर ज्वाइनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सीट मेटल फॉयल को, फॉयल को जोड़ने के लिए, ठीक है, सीट मेटल फॉयल को जोड़ने के लिए, या फिर कोई लंबा वायर हो उसको कंटिन्यू इसको जोड़ते जाने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल ये इसमें है, इसका प्रोसेस का जो एप्लीकेशन किया जाता है वो है अंडरग्राउंड वायर के लिए, अंडर ग्राउंड वायर, जहाँ पे क्या है कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैसेस हो और हाईली हाई टेम्परेचर हो, उस जगह में ये सब वायर पे ज़रूर जहाँ पे होता है तो उस वायर को बनाने के लिए, वायर को जोड़ने के लिए ये कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग से ये बन पाता है वायर, ठीक है, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग से ये जनरेट होता है और ये बनाया जाता है ताकि उसमें जो हाई इन्फ्लेबल गैसेस हो या फिर टेम्परेचर ज़्यादा राइज होने के कारण उस अपने स्टेबल हो पाए, अपना खुद का टेम्परेचर को स्टेबल रख पाए और सही से वो टिका रहे वहाँ पर। ओके दिस आर द मेन प्रोसेस एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस, ओके इक्विपमेंट्स ऑल्सो। तो क्या कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग है, इसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बता दिया, ठीक है। कोई भी कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए कि कहीं पे कुछ फॉल्ट है या फिर कहीं समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ कहीं पे कोई टॉपिक, तो ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल, ठीक से रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए सब कोई। ओके थैंक यू, थैंक यू।